देखिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, लंबे इंतजार के वक्त दो विधानसभा क्षेत्र में बड़ा लोकपाल हो। ये केवल पुल नहीं है, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है जहाँ लाखों लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। नैनदेव विधानसभा क्षेत्र और झुनुता विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को जो बड़े समय से इंतजार था, अब वो क्षण पूरा हो चुका है। बहुत जल्द वह ये जो पुल है ये बनकर तैयार हो जाएगा। दो छोर जिनकी लंबाई आपस में अद्भुत है, क्योंकि 185 मीटर का सब है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही बड़ा पुल है और जिससे लाखों लोगों को सहूलत मिलेगी। रोजगार के साधन खुलेंगे, लोगों को आने जाने में सहूलत मिलेगी, आपातकालीन स्थिति में भी यहाँ लोग आ जा सकते हैं। और बहुत इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने इस पुल की नींव रखी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने निरंतर इसके लिए जो धन की कमी नहीं आने दी, जिससे आज, और मैं यहाँ की जो बुखाड़ संघर्ष समिति है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस सबके सहयोग से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी सबके सहयोग से जो है पुल जो आज ये सब बना है, जो कंपनी है जो कार्य निरंतर कर रही है उनकी सब मेहनत है, इससे दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए लाइफलाइन है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में ये पुल जो है ये और विकास के नए आयाम लिखेगा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, इसके लिए मैं सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुल के बनने से हमारे घर के लिए रास्ता आसान हो गया और हमें बहुत खुश किया कि ये पुल जुड़ गया। धन्यवाद। जो है ये अख्तियार हो गया और जो हमें आने जाने की दिक्कत थी वो हमारी जो है समाप्त हो गई है, और दोनों विधानसभाओं के आपस में तालमेल से ये पुल जो है कामयाब हो सका है। हम जनता का भी और नेताओं का भी, इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये पुल जल्दी से जल्दी तैयार कर दिया। बाद ये पुल जुड़ गया, हमें आने जाने की सुविधा मिल गई। झुनुता कोटदा पूरे नैना देवी तक रोजगार हमारा खुल गया है। इस पुल के बनने से ना काफ़ी लंबे टाइम समय से बन रहा था पुल, बहुत सहूलत होगी लोगों को। लाल ग्राम खरली डाकना धनी पखर से बोल रहा हूँ। मैं इस पुल के ऊपर 7 साल से काम कर रहा हूँ और हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पुल ये वार पार में जुड़ गया है। आपके बड़े धन्यवाद।